बैद्यनाथ चौक से अशोक चौक रास्ते पर बुधवार की सुबह करीबन 10:30 बजे बड़ी दुर्घटना हुई है। तेज रफ्तार इनोवा कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें ई रिक्शा चालक की अस्पताल में मौत हो गई है। मृतक का नाम वामन कृष्ण जी पराते, उम्र 59 साल, यशोधरा नगर निवासी बताया जा रहा है। बैद्यनाथ चौक पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने ई रिक्शा चालक को टक्कर मारी और डिवाइडर पर जाकर पलट गई। घटना सुबह करीब 10:30 बजे के दौरान घटित हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत होने की जानकारी है। आमच्या गणेशपेठ पुलिस स्टेशन च्या हद्दी मध्ये एक अपघात घडलेला आहे। त्या अपघाताची माहिती आम्हाला सुरुवातीला कंट्रोल कडून माहिती, मुख्य नियंत्रण कक्षाकडून माहिती मिळाली की बैद्यनाथ चौक ते अशोक चौककडे जाणाऱ्या रोडवरती एक वाहनाने एक ई रिक्षाला धडक दिलेली, त्या संदर्भात माहिती मिळाली। आम्ही तत्काळ घटनास्थळी पोहोचलो। घटनास्थळावर जखमी ई रिक्षा चालक होते आणि आपले वाहन इनोवा कारने ई रिक्षाला धडक दिलेली। इनोवा कारचे चालक आणि जखमी ई रिक्षा चालकाचे चालक त्या ई रिक्षा चालकाला तत्काळ आम्ही वैद्यकीय उपचारक आम्ही मेडिकल हॉस्पिटल येथे दाखल केले। दाखल करण्यापूर्वी त्यांना डॉक्टरांनी उपचारापूर्वी मयत घोषित केले। त्यानंतर ही जी घटना आहे त्या घटनाच्या घटनास्थळावर गेल्यानंतर आजूबाजूच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार साक्षीदारांच्या चौकशीनंतर आम्हाला असं निष्पन्न झाले की नमूद वाहन इनोवा चालक हा भरधाव वेगाने बैद्यनाथ चौक ते अशोक चौककडे जात असताना त्याने एका सेल्टॉस गाडीला ओव्हरटेक करत असताना ही उभी असलेली ई रिक्षा चालक आहेत, ई रिक्षाला जोराची धडक दिली, त्यामुळे या धडकेमध्ये ई रिक्षा चालकाचा मृत्यू झालेला आहे। यामध्ये मृताचे नाव आहेत वामन कृष्णजी पराते, वयवर्षे 59 वर्ष, राहणारे ते जामदारवाडी किमखेडे लेआउट विनायकी मंगळवारी। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से जा रही इनोवा कार ने ई रिक्शा को पहले टक्कर मारी और इसके बाद डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। मृतक का नाम वामन कृष्ण पराते है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।